नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आजमगढ़ का 13वां जिला सम्मेलन तमसा प्रेस क्लब कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में हुआ। इस अवसर पर युवा और राष्ट्रीय विषय पर अब्दुल्ला एडवोकेट की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्य पर्यवेक्षक और संगठन के प्रांतीय नेता फखरी आलम ने कहा कि जब तक देश का युवा जागरूक और समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश के विकास में बाधा रहेगी। संगठन के संरक्षक और संयोजक जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि इस संगठन के निर्माता भगत सिंह थे, इसलिए संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर मांग है कि देश में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। गोष्ठी को परीक्षित सिंह, सुल्तान अहमद, शफीक अहमद, खरपत्तू राजभराज ने संबोधित किया। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शेख अब्दुल्ला और जिला मंत्री राजीव कुमार यादव के साथ ही मोहम्मद सऊद को उपाध्यक्ष, अब्दुल्ला एडवोकेट को सहायक मंत्री, शिव कुमार को संगठन मंत्री तो नरेश प्रजापति को सदस्य मंत्री परिषद चुना गया। क्या नाम आपका? हमारा नाम जितेंद्र हरि पांडे। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज है? ये आज भारतीय नौजवान सभा AIYF जो राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में है, जिसका सांगठनिक सत्र चल रहा है, देश का सम्मेलन, उत्तर प्रदेश का सम्मेलन, उसी के क्रम में जिलों जिलों में संगठन का सम्मेलन हो रहा है। उसी की कड़ी में आज आजमगढ़ जनपद इकाई का, जिला इकाई का सांगठनिक सम्मेलन और युवा और राष्ट्र विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे जो 7 पदाधिकारियों की कमेटी चुनी गई है, और उस कमेटी में मोहम्मद शेख उबैदुल्ला को जिला अध्यक्ष, मोहम्मद सऊद को उपाध्यक्ष, राजीव कुमार यादव को जिला मंत्री, नरेश प्रजापति मंत्री, शिव कुमार को संगठन मंत्री, अजय कुमार तिवारी को कोषाध्यक्ष और हम जितेंद्र हरि पांडे को इस संगठन का संरक्षक चुना गया है। और इस गोष्ठी में हमने ये मांग किया है, वक्ताओं ने मांग किया है, इसमें प्रदेश संगठन की तरफ से भाई फखरे आलम जो मऊ से सभासद भी हैं, प्रदेश AIYF की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हैं कॉमरेड परीक्षित सिंह जो मऊ के रहने वाले हैं, और मऊ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के। इस संगठन से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? हमने ये आज गोष्ठी के माध्यम से ये मांग किया है कि बेरोजगारों को काम दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। शहीद भगत सिंह बेरोजगार गारंटी योजना भारत सरकार लागू करे, ताकि देश के करोड़ों करोड़ युवा जो आज सड़क पर हैं, जो आज तमाम ऐसे धंधे में, तमाम ऐसी गतिविधियों में, असामाजिक कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, ऐसे नौजवानों को अगर रोकना है तो भारत सरकार को भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना को लागू करना पड़ेगा। भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना अगर लागू होती है तो उससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और जिससे देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तभी हम अपने राष्ट्र को मजबूत, जब तक युवा नहीं मजबूत होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। इन स्लोगन के साथ हमने आज ये सांगठनिक सम्मेलन किया है।